जय हिंद सभी को। उम्मीद है कि आप बेहतर होंगे, शानदार होंगे, मस्त होंगे और बहुत प्यारे प्यारे होंगे। तो आइए लेकर चलते हैं आपको एमडी क्लासेज के ऑफिशियल एप्लीकेशन पे, ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं आपका अभिषेक और आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं कुछ टॉप के क्वेश्चन, कुछ बेहतरीन और कुछ शानदार से क्वेश्चन। तो भैया सभी का स्वागत है, जो लोग आज की क्लास का वेट कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे, और वो लोग जो अभी जुड़ रहे हैं या जिन तलक मेरी आवाज जा रही है उन सभी तक, हाँ उन सभी को बहुत सारा स्वागत है। चलिए वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आज ये बिहार एसएससी इंटर लेवल में आज ये साइंस के क्वेश्चंस की ये सीरीज, आप जानते हैं कि अगर बिहार एसएससी में इंटर लेवल में वैकेंसी चाहिए तो आपको साइंस इसलिए पढ़ना जरूरी है क्योंकि बाकी सारे विषय सभी को आते हैं, यही एक विषय है जो किसी को ज्यादा पसंद है, किसी को कम पसंद है। तो अगर आप इसको सीख लेते हैं तो ये आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा सिलेक्शन के लिए। तो आइए लेकर चलते हैं भाई, ठीक है, आज की क्लास में कुछ बेहतरीन और शानदार से सवालों की तरफ। और शुरुआत के 5 क्वेश्चन न्यूमेरिकल है और उसके बाद से हम लोग थियोरेटिकल क्वेश्चन को देखेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने आया हुआ है, 10 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड विरामावस्था से 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के दर से गति करता है, 10 सेकंड में शरीर कितनी दूरी तय करेगा। तो आइए इस क्वेश्चन पे हम देखते हैं आपका जवाब क्या है और पोल पे इस क्वेश्चन को लेते हैं पहले ही सवाल को, ठीक है। तो चलिए जवाब दीजिएगा, क्या होगा इसका सही जवाब। चलिए देखते हैं आज के इस सवाल का सही जवाब क्या होगा। पूछा है 10 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड विरामावस्था से, विरामावस्था का मतलब यू हो गया 0, त्वरण दिया है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और समय दिया है 10 सेकंड। पूछा है कितनी दूरी तय करेगा, तो यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का फॉर्मूला पढ़ा होगा, प्रारंभिक वेग 0 है, त्वरण 3 है, समय 10 × 10, तो 100 का आधा 50 या 150 मीटर। राइट चॉइस है 150 मीटर का। देखते हैं कितने लोगों ने इस सवाल का सही जवाब दिया है। तो मैक्सिमम लोगों ने इस सवाल का सही जवाब, मैक्सिमम लोगों ने बी, हाँ देखते हैं, सबसे ज्यादा लोगों ने बी आंसर को चुना है, ए को 35% लोगों ने चुना है, लेकिन इसका सही जवाब सी था, मात्र 14% लोगों ने इस सवाल का सही जवाब दिया है। अब आप देख लीजिए आपकी तैयारी कैसी चल रही है, मात्र 14% लोगों का सिलेक्शन अभी दिख रहा है। चलिए ठीक है, दूसरे सवाल की तरफ चले, इसका सही जवाब 150 मीटर है, 10^100, फिर से मैं बता दूं, ये तो समझ में आ ही गया होगा, कोई डाउट तो इसमें है नहीं, इस 10 किलोग्राम का कोई यूज नहीं था। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं और इस सवाल का जवाब देखते हैं आप क्या देते हैं। यह जवाब पूछा है कि 100 वाट के बल्ब को प्रति 5 घंटे के लिए जलाया जाए तो प्रति यूनिट 75 पैसे की दर से 3 दिन का व्यय कितना होगा। देखते इसमें कितने परसेंट लोग सही जवाब देते हैं, थोड़ा ध्यान से करिएगा। क्या जवाब देंगे आप, 100 वाट के बल्ब को प्रतिदिन 5 घंटे के लिए जलाया जाता है तो आप क्या करेंगे भाई, तो प्रति यूनिट 75 पैसे की दर से 3 दिन का बिजली का व्यय कितना होगा। तो देखिए 100 वाट है, पावर में घंटे से गुणा करते हैं, 1000 से भाग देते हैं और दिन भी है, 1 0, दूसरा 0, तीसरा 0, ठीक ना, तो 5 × 15 यूनिट आ गया, तो ये ऊर्जा आ गई। लेकिन अगर व्यय पूछा है तो क्या कहेंगे, 15 में 75 पैसे का गुणा कर दीजिए, 15 में क्या करेंगे, 75 पैसे का गुणा कर देंगे, ठीक ना, तो 11 रुपए वाले कितने लोग हैं, बहुत बढ़िया, चलिए 11.25, ये राइट आंसर है जिन लोगों ने ये जवाब दिया है, 11.75 जो है ये इसका करेक्ट आंसर है। और देख लीजिए हाँ, डी आंसर देने वाले मात्र 15% है, लेकिन आज की क्लास में अगर देखा जाए तो सही करने वाले 14 से 15% ही हैं, बाकी सब आज तुक्केबाज ही मिल रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे पोल लगाए या नहीं, घबरा तो नहीं जा रहे हैं आप लोग पोल देख के। चलिए एक क्वेश्चन पे और, न्यूमेरिकल है, चलिए नॉर्मल क्वेश्चन एक देख लेते हैं।
ये क्वेश्चन, ये उम्मीद है कि सब लोग सही करेंगे। पांचवें क्वेश्चन पे देख लीजिए, हाँ पांचवें क्वेश्चन पे ये सही कर ले सर मुझे। क्या जवाब देंगे इस सवाल का? सभी लोग का क्लियर है इसके जवाब? मुझे उम्मीद है कि सही जवाब 86% जा रहा है, ए ऑप्शन जो है 82% अभी सही है, और बिल्कुल यही सही है। काली मिट्टी जो है में कपास उगाया जाता है, बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। हाँ चलिए अब फिर चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 के तरफ, न्यूमेरिकल पहले फिनिशिंग कर दें। ये क्वेश्चन है, 60 किलोग्राम वजन का एक आदमी 2 मीटर पर सेकेंड के एक समान वेग से चलता है, संवेग क्या होगा? चलिए संवेग क्या होगा क्वेश्चन नंबर 4 है इसका, देखिए क्या आंसर आएगा। तो आप जानते हैं इसमें अगर संवेग हम निकाले तो मास इनटू वेलोसिटी 60 × 2 यानी 120 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। राइट चॉइस इज बी, राइट चॉइस यहां पर क्या आएगा? बी। क्लियर, तो सभी ने लगभग सही जवाब दिया है, बहुत बढ़िया। अब आप फॉर्म में आ चुके हैं, एक सवाल और बता दें फिर थ्योरी की तरफ चलते हैं। ठीक है, बेसिक से ही बताएं। अच्छा जी चलिए, पिछले वाले में तो 39 लोगों ने वोट दिया था और बिल्कुल सही जवाब है, इस वाले में देखते हैं क्या होगा। तो इसका सही जवाब क्या है? चलिए तो क्या, ठीक ठीक ओके ओके ठीक है, इसका जवाब क्या देंगे? अगर गुरुत्वीय त्वरण 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, 5 मीटर की ऊंचाई पर रखी 1 किलोग्राम की वस्तु की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? तो यहां पर स्थितिज ऊर्जा पूछा है पीई, तो पीई बराबर क्या होता है? एमजीएच। मास दिया है 1, जी दिया है 10 और हाइट दिया है 5 मीटर, तो यहां पर 50 जूल आएगा। कोई ऐसा वीर बहादुर है जिसने 50 जूल दिया हो? ए ऑप्शन इज करेक्ट, ए ऑप्शन इज करेक्ट। 75% लोगों ने सही जवाब दिया है, बहुत अच्छा लगा। चलिए लगातार आपने अब अपने, हाँ बिल्कुल एटीट्यूड अब बदल गया, 79% लोगों के सही जवाब आए, बहुत बढ़िया। अच्छा डी आंसर किसी ने नहीं दिया ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। ठीक है ओके क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? यह कह रहा है कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के आधार पर कौन सा बिजली संयंत्र काम करता है? पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के आधार पर बताइए। हाँ बिल्कुल बताइए, इसमें से जो कमेंट बॉक्स में आपको दिख रहा है उसमें आप सही आंसर को चुनिए, जो आपको लग रहा है आपको दिख रहा है सॉल्व करके बताइए क्या है। जियोथर्मल, वाइंड फॉर्म, हाइड्रोथर्मल, न्यूक्लियर। ये न्यूक्लियर ही रिएक्टर जो होते हैं इसी पर चलते हैं, रिएक्टर जो होते हैं जहां पे विखंडन के द्वारा एनर्जी मिलती है। जियोथर्मल भूतापीय ऊर्जा संयंत्र होते हैं। इसका राइट आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 6 का वो ए है, और उम्मीद कर रहे हैं कि इस सेशन में, इस क्लास में इसका सही जवाब मिलने वाला है, बहुत बढ़िया। तो इसका सही जवाब आपने यही दिया है, और गुरुत्वाकर्षण के नियम की अगर हम बात करें तो न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था, न्यूटन ने क्या दिया था? गुरुत्वाकर्षण का नियम। और इन्होंने ही एक किताब भी लिखी थी जिसका नाम था प्रिंसिपिया, क्या लिखी थी? प्रिंसिपिया नाम की किताब लिखी थी। एक क्वेश्चन पूछा है विद्युत मोटर का अनुप्रयोग है, और इसका सही जवाब आपको देना है कि विद्युत मोटर का अनुप्रयोग, हाँ बहुत बढ़िया, ये बहुत बेहतर है, इसका जवाब आपने 93 दिया है। इसका जवाब देखिए, अगर विद्युत मोटर की बात कर रहा है इसका सही जवाब आप दीजिए। आप जानते होंगे कि विद्युत मोटर जो होता है ये फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम पर काम करता है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम पर कौन काम करता है? विद्युत मोटर। और इसमें आप जानते हैं जैसे एक थंब होता है, हम मतलब अंगूठा हो गया, इंडेक्स फिंगर हो गया, और साथ में एक मिडल फिंगर हो गया,
तीन फिंगर हो गई, तो यहाँ पे फादर, मदर और चाइल्ड, यानी ये करंट को बताएगा, ये मैग्नेटिक फील्ड को बताएगा और ये आपके पास फोर्स को बताएगा। ये चीजें हैं। तो पूछा है विद्युत मोटर का अनुप्रयोग क्या है, तो ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में प्रयोग करता है। सी आंसर यहां पर क्या है, सही है, इसका राइट चॉइस, राइट जवाब जो है सी है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा एक सजातीय मिश्रण है, सजातीय मिश्रण कौन सा है, सजातीय मिश्रण इसका जवाब दीजिएगा। सजातीय का मतलब होता है होमोजीनस। अच्छा, होमोजीनस का मतलब ये होता है होमोजीनस मिक्सचर है। तो देखिएगा, ब्लड होमोजीनस नहीं है, ब्लड बफर है और ये हेट्रोजीनस है। और ब्लड का पीएच तो आपको पता है ना 7.4 होता है, ठीक ना, और ये बफर होता है। अच्छा, बफर वे सॉल्यूशन होते हैं ना जिनका पीएच फिक्स होता है, समान होता है। डिस्टिल्ड वाटर, बटर, बटर मतलब मक्खन, सेलाइन वाटर खारा पानी। तो देखिएगा बटर, इसमें सही जवाब यही है, खारा पानी। अच्छा, डिस्टिल्ड वाटर में तो कुछ भी नहीं होगा, डिस्टिल्ड वाटर में कुछ भी नहीं होगा, तो इसका सही जवाब क्या है, ए ऑप्शन है, सही जवाब इसका ए है, राइट, हाँ बिल्कुल। और होमोजीनियस का मतलब जिसमें विलेय और विलायक, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से सबसे कठोर पदार्थ है, प्राकृतिक पूछ के इस क्वेश्चन में अलग मामला दे दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक रूप से सबसे कठोर पदार्थ है, ग्रेफाइट, उर्जाइट, लोहा और डायमंड। तो यहां पर सभी लोगों ने हीरा के तरफ जवाब दिया है। और हीरा से बनने वाले सवाल देखिएगा, हीरा का क्रांतिक कोड क्या होता है, हीरा का क्रांतिक कोड। दूसरी बात अगर हम पूछे हीरा से जुड़ा हुआ, तो हीरे का अपवर्तनांक क्या होता है, और एक और सवाल पूछे हीरे का क्रांतिक कोण अपवर्तनांक के अलावा हीरे का, देखिए क्रांतिक कोण होता है 24 डिग्री, अपवर्तनांक होता है 2.42, ठीक ना। और हीरा में अगर हम sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, ठीक ना, यहां पे ग्रेफाइट भी क्या है, कार्बन का अपरूप है, कार्बन का अपरूप है, लेकिन साथ में ये एक तरह से सॉलिड लुब्रिकेंट है, ठोस स्नेहक का भी काम करता है। और साथ में ये भी याद रखना है कि जो ग्रेफाइट है ठोस स्नेहक का काम तो करता है, साथ में ये लेयर बनाता है, परत बनाता है, लेयर फॉर्म करता है, ठीक ना। चलिए अब ये बायोलॉजी से जुड़ा हुआ सवाल पूछा है, कौन सी जड़ वाली सब्जियां हैं, चार ऑप्शन में से एक चुनना है, कौन सी जड़ वाली सब्जियां हैं चुनिएगा, राइट चॉइस क्या होगा, एक बार दिल खोल के लाइक कीजिएगा पूरे दिल से। हां, इसमें जड़ वाली सब्जियां कौन सी है, सलजम, सूरन, शकरकंद या चार, तीनों हैं, इसमें से क्या चुनेंगे आप। अरे वाह, जवाब एकदम धुआंधार तरीके से आ रहा है, यहां पर आ रहा है सर जी उपरोक्त सभी यहां पर होने वाला है, सब कुछ होगा, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक पौधे के प्रजनन का हिस्सा है, कौन सा एक पौधे के प्रजनन का हिस्सा है, आइए बात करते हैं, जड़, तना, फूल और फल। देखिएगा अगर हम किसी पौधे की बात करें तो पौधे के दो हिस्से हैं, एक कायिक भाग है और एक जनन भाग है। कायिक भाग में तीन आता है, रूट आता है, स्टेम आता है और लीफ आता है, तीनों आते हैं। और जनन भाग में कौन आता है, तो जनन भाग में कौन आता है, फूल आता है, जनन भाग में कौन आता है, फूल। तो इसके जनन भाग में मेल पार्ट जो होता है उसको हम पुमंग कहते हैं या स्टामेन कहते हैं, और फीमेल भाग को हम क्या कहते हैं, फीमेल को हम स्त्री केसर कहते हैं या जयांग कहते हैं, जयांग या स्त्री केसर के नाम से जानते हैं, पिस्टिल कहते हैं, ठीक है। पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा भाग
यौन प्रजनन यानी लैंगिक प्रजनन में भाग लेता है, इसको लैंगिक प्रजनन बोल रहे हैं। लैंगिक प्रजनन में कौन सा ऐसा है जो लैंगिक प्रजनन में भाग लेता है? पुमंग। हाँ, पुमंग से ही पुंकेसर बनता है, बात वही है। ठीक है, यहां पर चुनिएगा फल और पुष्प, केवल पुष्प, इसमें से कौन ऐसा है जो लैंगिक प्रजनन में भाग लेता है? एक जवाब आपको बताना है इसमें से। आप जानते हैं ये पुंकेसर है और इसी में ये परागकण है, और आप जानते हैं ये वर्तिकाग्र है, वर्तिकाग्र है, ये वर्तिका है और ये अंडाशय है। ये आपका, इसी को हम जायांग कहते हैं या इसी को हम पिस्टिल या कार्पेल कहते हैं और इसको हम स्टामेन कहते हैं, स्टामेन और पिस्टिल। इसमें सही जवाब आपका केवल फ्लावर आएगा, केवल पुष्प। पूछा है क्लोरोफिल अनुपस्थित होता है, ये सवाल देखिएगा, पूछिएगा जवाब क्लोरोफिल के बारे में। तो यहां पर देखिएगा, अगर हम सहजीवी संबंध का उदाहरण जाने, सहजीवी संबंध का उदाहरण, तो यहां पर एक होता है माइकोराइजा। क्या होता है? माइकोराइजा। और माइकोराइजा में क्या होता है? तो आप जानते हैं कि पेड़ जो होते हैं कवक के साथ जुड़े होते हैं, लेकिन दूसरा होता है लाइकेन। लाइकेन में क्या होता है कि जो कवक होते हैं ना वो शैवाल के साथ जुड़े होते हैं, और ये सहजीवी संबंध होता है। कैसा संबंध होता है? सहजीवी संबंध होता है। साथ में लाइकेन के बारे में अगर हम कहें तो वायु प्रदूषण का सूचक भी है, वायु प्रदूषण का क्या है? सूचक है। और वायु प्रदूषण में भी ये सल्फर डाइऑक्साइड का सूचक है, सूचक, ठीक है, लाइकेन। और वायु प्रदूषण के अलावा ये लिटमस पेपर भी बनाता है, लिटमस पेपर बनाता है, ठीक है। और ये पत्थरों के ऊपर उगते हैं। पूछा है किसमें क्लोरोफिल अनुपस्थित है? तो कवक में, क्योंकि ये परपोषी जीव है। कैसा होता है? परपोषी जीव है। अच्छा, कवक का अध्ययन क्या कहलाता है, कोई बताएगा? कवक का अध्ययन क्या कहलाता है? ब्रायोफाइटा को हम पादप जगत का उभयचर कहते हैं, पादप जगत का उभयचर। ये निषेचन की प्रक्रिया वर्षा या जल में करते हैं। बहुत बढ़िया, धन्यवाद मेरे भाई। क्या नाम है आपका? जिद्दी बॉय और विशाल जी। विशाल जी अलग जवाब दिए हैं, इसका माइकोलॉजी होगा। क्या होगा? माइकोलॉजी। क्लियर है? बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आइए, ग्रेफियन, ग्रेफियन पुटक, फॉलिकल की गुहिका को क्या कहते हैं? देखिएगा, यहां पर पूछा व्हाट इज द कैविटी ऑफ ग्रेफियन फॉलिकल? एंट्रम कहते हैं, एमनियाटिक कैविटी कहते हैं, या लिक्वर कैविटी कहते हैं, या ऑर्थोगोनल डिस्क कहते हैं। देखिएगा, आप जानते हैं कि स्पर्म है, स्पर्म का मतलब हो गया शुक्राणु, और एक एग हो गया एग। अब देखो, स्पर्म का क्या मतलब हुआ? शुक्राणु। शुक्राणु क्या है? तो ये गैमिट है, ये गैमिट है, इसको नर युग्मक बोलते हैं। कितना गुणसूत्र होता है? तो 23। एग को अंडाणु कहते हैं। फीमेल में मेंसुरेशन साइकिल के 14वें दिन ये मादा युग्मक का निर्माण होता है, दोनों का निषेचन हो गया। क्या हो गया? निषेचन। और दोनों के निषेचन के उपरांत, दोनों का क्या हुआ? निषेचन के उपरांत जायगोट का निर्माण हुआ। निषेचन आंतरिक होगा, युग्मनज बना, जायगोट बना। तो पूछा जाए कि जायगोट में कितना गुणसूत्र? तो 46 यानी 23 जोड़ी। अब यहां पर आगे चलते हैं, जायगोट के बाद क्या होता है? इम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, भ्रूण का विकास होता है। और इसी भ्रूण के बाद अगर हम और आगे चले, जायगोट के बाद अगर और आगे, भ्रूण के बाद और आगे चले, तो धीरे धीरे फीटस का निर्माण होता है, यही होता है ना। तो यहां पे एंट्रम, एंट्रम कैविटी है, अम्बिलिकल कैविटी है, एमनियोटिक फ्लूइड होता है, पर यहां पर यह पाया जाता है, एंट्रम कैविटी पाई जाती है, ठीक ना। हाँ,
अब ऐप पर पीडीएफ क्यों नहीं अपलोड करते हैं? बिल्कुल, मैं एकदम अपलोड होगा भाई, आज ही मैं देख लेता हूं, ठीक ना। हाँ सौरभ जी पूछा है एल्डिहाइड के लिए गलत विकल्प चुनिए। एल्डिहाइड के लिए वैसे सीओएच नहीं लिखा जाता, इसको ऐसे लिखा जाता है। वैसे दोनों के नाम दिए हुए, सी टू एच थ्री को हम किस नाम से जानते हैं? देखिएगा सी टू एच थ्री, ये तो सही है सी थ्री एच थ्री, ये सी एच, इसमें तो गलती ज्यादा दिख रही है। पूछा है गलत विकल्प चुनिए, तो पहला देखिएगा सी टू एच थ्री, तो ये तो पहले ही गलत हो गया, सी एच ओ लिखे या सी एच, हाँ ये ऐसे ही यहाँ पे सी टू एच फाइव होना चाहिए, सी एच थ्री, इसको हम एथेनल एसीटल्डिहाइड, मेथेनल एच सी एच ओ, बेटा बस एक यही सही है और बाकी जो सारे के सारे हैं सब गलत हैं, ठीक ना। ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। बाकी भैया जिन्होंने टाइपिंग की है उन्होंने 2 3 का बहुत बड़ा यहाँ पर मिस्टेक जनरेट किया है, ठीक ना। यहाँ पे गलतियां बहुत हैं, मैं इसको क्लियर करके आपको बता देता हूँ कि ठीक ना। यहाँ पे एक समझिएगा कैसे समझिएगा, हाँ बिल्कुल CH3, देखिएगा मैं पूरा एल्डिहाइड का नाम ही आपको पढ़ा देता हूँ, ये घबराइए नहीं, ये अभिषेक सर की क्लास है, कंफ्यूजन बचा बचा नहीं रहता है भाई, घबराना नहीं, मैं बता रहा हूं ध्यान से सुनो। ये देखो एल्डिहाइड का CH, CHO होता है, सारे जितने हैं जितने संभव हैं सारे बता देता हूँ, शुरुआत के पांचों बता देता हूँ, C2H5 C3H7, यही यही तक गया था ना, सारा बताता हूँ क्या नाम होगा। अच्छा रुको, जनरल नाम भी बता दूंगा और इसका आईपीएससी नाम भी बताऊंगा, पहले जनरल नाम बता देता हूं फिर आईपीएससी। इसका जनरल नाम होता है फॉर्मेल्डिहाइड, क्या होता है फॉर्मेल्डिहाइड, और इसका होता है एसिटल्डिहाइड, इसका होता है प्रोपेल्डिहाइड और इसका होता है ब्यूटेल्डिहाइड। चार कार्बन है तो क्या हो गया ब्यूटेल्डिहाइड। अब देखिएगा यहां पर अगर हम फॉर्मेल्डिहाइड का आईपीएससी नाम जाने तो एक कार्बन अगर है ना तो नाम होता है मीथेनल। अगर आपको आता है तो साथ दीजिए थोड़ा मेरा, एल्डिहाइड में अल जुड़ता है, अल अल जुड़ता है, और यहां पर क्या नाम में जुड़ता है दो कार्बन है तो एथ होगा और इथेनल होगा, तीन कार्बन है प्रोपेनल होगा, चार कार्बन है ब्यूटेनल होगा, क्या होगा ब्यूटेनल होगा, चार कार्बन है तो ब्यूटेनल, ये याद रखिएगा, ये राइट आंसर है, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, गुर्दे की नलिका में कौन सी परत मौजूद होती है? गुर्दे की नलिका में, ये आपके लिए कठिन सवाल है, इसको रहने दीजिए, ठीक ना। गुर्दे की नलिका पूछा है, इसके जगह पर पूछना चाहिए था, ठीक ना, गुर्दे में कौन सी कोशिका पाई जाती है, कौन सी कोशिका पाई जाती है? कॉलमनर एपिथेलियम, ठीक है बेटा सही है, आपने पहला ऑप्शन दिया होगा। तो एग्जाम्पल अगर लेकर चले तो यहां पर नेफ्रान होता है, तो गुर्दे में क्या पाई जाती है, किडनी में क्या पाई जाती है, नेफ्रान पाई जाती है। हाँ कॉलमनर एपिथेलियम ऑप्शन नंबर ए सही था। यहां पर पूछा प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक नहीं है, इसमें से क्या आवश्यक नहीं है प्रकाश संश्लेषण के लिए बताइए, प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक नहीं है? बताइए यहां पर प्रकाश संश्लेषण जानते हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड ले लिए, ये जल ले लिए, और दोनों को लेकर दोनों का 6-6 अणु लेकर हम यहां पर फोटोसिंथेसिस करा रहे हैं सूर्य की रोशनी में क्लोरोफिल के द्वारा। ए बाबू ये जल जो है ना जड़ खींचता है, जड़ जो है मूल रोम रूट हेयर नीचे से जल खींचेगा, ऊपर से कार्बन डाइऑक्साइड लिया जाएगा और क्या बन जाएगा ग्लूकोज, और साथ में क्या होगा ग्लूकोज का निर्माण हो गया। और साथ में यहां पर क्या होगा ऑक्सीजन का निर्माण होगा और जल की हानि होगी, और जल की क्या होगी हानि, ग्लूकोज ऑक्सीजन और जल की हानि, ठीक ना। तो ये जो है वाष्पोत्सर्जन के द्वारा उत्सर्जित होगा,
वाष्पोत्सर्जन के द्वारा। इसमें किसकी आवश्यकता नहीं है? ऑक्सीजन की, ये आवश्यकता नहीं। ऑक्सीजन बनता है प्रकाश संश्लेषण में, ऑक्सीजन बनता है, ऑक्सीजन बनता है कार्बन डाइऑक्साइड के, चलिए, गोलाकार दर्पण जिसकी परावर्तक सतह बाहर की ओर उभरी होती है क्या कहलाती है? देखिएगा, यह गोलाकार दर्पण है, अब यह देखिएगा बाहर की ओर उभरी है, यह देखिएगा प्रकाश की किरण आई बाहर चली गई, प्रकाश की किरण आई बाहर चली गई, ऐसा दर्पण जो प्रकाश को बाहर की ओर फैला दे, डाइवर्जिंग। डाइवर्जिंग की हिंदी होती है, क्या होती है भाई? अपसारी। और यही दर्पण कहां लगाए जाते हैं? यही दर्पण गाड़ियों के साइड व्यू यानी रियर व्यू मिरर के लिए। और कहां लगाए जाते हैं? तो रोड लाइट में। तो ये रियर व्यू मिरर के में भी इस्तेमाल किया जाता है और रोड में, रोड लाइट में। अच्छा एक बात बताएंगे, अच्छा ये जो है प्लेन मिरर, प्लेन मिरर क्या करता है? पारस्व उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। पारस्व उल्टा का मतलब समझते हैं, बायां दाएं तरफ, दायां बाएं तरफ, बायां दाएं, दायां बाएं, ठीक ना? समझ में आई बात? तो चलिए, आज के सवाल जो है आपको ज्यादा कठिन तो नहीं लग रहे? ये सवाल देखिए कौन बताता है, कौन वीर बहादुर है जो इस सवाल को बताता है? आप लोगों की तरफ से आज चाय आई है, बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने बना के भेजी है। चलिए ये सवाल का जवाब देंगे, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत में कौन सा कथन सही है? ऊर्जा संरक्षण का एक सिद्धांत है, ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है न ही नष्ट की जा सकती है, ऊर्जा को केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। बहुत बढ़िया। जलीय विलयन में किसी अम्ल या क्षार में क्या परिवर्तन होता है? अब देखो, ये जल है और अम्ली विलयन और क्षारी विलयन में, तो क्षार जल में OH आयन निर्मित करते हैं, जल में H+ आयन निर्मित करते हैं, क्षार जल में हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं। देखिए ये तो गलत है, अब यहां पे हमको लग रहा है यहां पे भी क्षार होगा, क्षार ये भी गलत है, क्षार जल में OH आयन निर्मित करते हैं, क्षार जल में OH आयन निर्मित करते हैं, ये दोनों स्टेटमेंट तो एक ही है, यही बात सही है, दोनों सही है, दोनों लाइन तो एक ही लिखा है, देखिए दोनों लाइन तो एक ही है। हाँ ठीक है, पूछा है निम्नलिखित में से क्या निष्क्रिय गैस नहीं है? निष्क्रिय गैस इसमें से कौन सी नहीं है? सुनिए, इसमें से कौन सी गैस ऐसी है जो निष्क्रिय नहीं है, बताइए। निष्क्रिय गैस आप जानते हैं क्या? ऐसे समझिएगा, हेलोजन कहेगा तो आप जानते होंगे, हेलोजन कौन सी होती है? तो फादर कलेक्टर, बेटा इंस्पेक्टर, लेकिन अगर आपसे 18वें ग्रुप के निष्क्रिय समूह कहे या इनर्ट गैस कहे, निष्क्रिय। तो निष्क्रिय में क्या आएगा? हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टान, जेनान और रेडान। ये जो क्लोरीन है ना, ये हैलोजन है। कौन सा है? हैलोजन। और हैलोजन किस समूह में पाया जाता है? तो हैलोजन जो है 17वें समूह में पाया जाता है। हैलोजन कहां पाया जाता है? 17वें समूह में, ठीक है, 17वें समूह में, बिल्कुल। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, यहां देखिएगा, ये कार्य क्या है? कार्य के बारे में, कार्य के बारे में कुछ बातें कही गई है, क्या सही होगा इसमें? कार्य, कोई दिशा नहीं होती, केवल परिमाण होता है, दिशा और परिमाण दोनों नहीं होते हैं, दिशा और परिमाण दोनों होता है। तो कार्य कैसी भौतिक राशि है? तो आप जानते हैं कार्य में W से दर्शाते हैं और बल गुणे विस्थापन गुणे cos थीटा से निकालते हैं। ये फार्मूला होता है, एक वस्तु ले लिए, बल लगा दिए F, विस्थापन भी इसी ओर है, तो बल गुणे विस्थापन, यानी दिशा और परिमाण दोनों नहीं होते, कोई दिशा नहीं है, केवल परिमाण है। कार्य कैसी राशि है? अदिश राशि है। तो अदिश राशि होती है कार्य, कैसी राशि होती है? अदिश राशि।
दिशा और परिमाण दोनों होते हैं, अगर दोनों होते तो ये सदिश हो जाती, दोनों होते तो ये कैसी हो जाती, सदिश हो जाती, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अच्छा, ग्रैंड दिवाली ऑफर सेलिब्रेशन जो है 9 नवंबर की रात 8:45 पर आएगा, जबरदस्त जाके इवेंट लग चुका है, तो एक बार जाके उसको लाइक कर दीजिएगा। जिन लोगों को कोई कोर्स लेना है अभी मत लीजिएगा, दिवाली का ऑफर 2 दिन में आने वाला है, अभी पैसा जाया करने की कोई आवश्यकता नहीं है, जब छूट आ जाए, भरपूर छूट आ जाए तब लीजिए, ठीक ना, मेरा यही कहना है। एक अब यहां देखिएगा, दो वस्तुओं के द्रव्यमान को 3 गुना कर दिया जाए तो दोनों वस्तुओं के बीच बल होगा, दो वस्तुओं के द्रव्यमान को 3 गुना कर दिया जाए तो दोनों वस्तुओं के बीच बल क्या होगा। अब देखिए F बराबर क्या होता है, जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपान आर स्क्वायर, यही है। अच्छा, तो नया बल कितना हो जाएगा, 9 गुना हो जाएगा, 3 गुणे 3 कितना होता है, 9 गुना, कितना हो जाएगा, 9 गुना हो जाएगा। पूछा है प्रकाश संश्लेषण का उप उत्पाद है, प्रकाश संश्लेषण का सह उत्पाद क्या है, ये आप जानते हैं। और आप अभी बताएं कि सर जी कार्बन डाइऑक्साइड जब जल के साथ क्रिया कर रहा था तो यहां पर ग्लूकोज बनाया और साथ में क्या बनाया, साथ में ऑक्सीजन बनाया, तो ये सह उत्पाद क्या है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन इज द बाई प्रोडक्ट ऑफ द फोटोसिंथेसिस। और याद रखिएगा, पूछा मानव आंख में अंध स्थल ब्लाइंड स्पॉट की बात किया है, ब्लाइंड स्पॉट किस स्थान पर स्थित होते हैं, सिलियरी मसल्स की बाई ओर, ऑप्टिक तंत्रिका और रेटिना का जंक्शन, आंखों के लेंस का केंद्र या कार्निया के दोनों छोर पे, ये आप जानते हैं। आंखों में सबसे बाहर जो होता है वो क्या होता है, सबसे बाहर क्या होता है, स्क्लेरॉइड, उसके बाद होता है, उसके बाद कोरवाइड, और उसके बाद क्या होगा, रेटिना। तो यहां पर क्या होगा, ब्लाइंड स्पॉट यहां है, ब्लाइंड स्पॉट दिखाई नहीं देगा, तो ऑप्टिक तंत्रिका और रेटिना का जंक्शन बिंदु को हम कहते हैं ब्लाइंड स्पॉट, ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल भैया यादव जी, अमृता बी होगा, ममता बहुत बढ़िया, मनीषा ने जवाब दिया है। चलिए अगला जवाब देखते हैं, राइबोसोम किससे बनता है, राइबोसोम से बनता है, राइबोसोम से क्या बनता है, डीएनए तथा प्रोटीन, आरएनए तथा प्रोटीन, डीएनए और आरएनए, आरएनए तथा एमिनो एसिड, राइबोसोम से क्या बनता है। तो सबसे बड़ी बात है डीएनए और आरएनए नहीं बनेगा, राइबोसोम से डीएनए तो बनेगा नहीं। अब यहां पर दो ऑप्शन है, आरएनए तथा अमीनो एसिड, आरएनए तथा प्रोटीन, राइबोसोम यहां पर क्या भरेंगे, आरएनए, राइबोसोम आरएनए तथा प्रोटीन से बनता है। तो आप जानते हैं राइबोसोम में एमआरएनए आता है और यही एमआरएनए किसका निर्माण करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है, इसका सही जवाब ये बी है। पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन युक्त आहार नहीं है, एक ऐसा आहार है जो प्रोटीन युक्त नहीं है, चुन के बताइए इसमें से कौन सा, घर की सफाई कर लो भाई, हम लोग भी आ जाएंगे, जल्दी से पहले जवाब दे लो, क्रम बाद पूछो, बताओ बेटा, पनीर, दाल, शुद्ध घी और मांस, पूछा इसमें से कौन सा आहार नहीं है जिसमें प्रोटीन है, तो ये शुद्ध घी है जो आहार नहीं है। अगला पूछा है पादप कोशिका के सबसे बाहरी आवरण का गठन, तो पादप कोशिका के सबसे बाहरी आवरण का क्या होगा, सेलुलोज होगा पादप कोशिका में। अच्छा, काइटिन किस में होगा, तो काइटिन होगा फंजाई में यानी कवक में, तो काइटिन किस में होगा, फंजाई में होगा, ठीक है। और अगला है कि आवर्त सारणी के एक समूह में ऊपर जाते समय धातु की गुणवत्ता, एक समूह में ऊपर जाते समय, तो आवर्त सारणी में जब भी आप समूह में जाएंगे तो ऊपर से नीचे जाते हैं, आवर्त सारणी में जो समूह होता है वो ऐसे होती है ना, क्षैतिज पंक्तियां होती है, ऊपर से नीचे आने पर धातु की गुणवत्ता बढ़ती है, लेकिन इसमें कह रहा है ऊपर जाते समय, अब समूह में ऊपर तो जाते नहीं है, फिर भी अगर ऊपर से नीचे, अब यहां पे बेटा हम ऊपर से नीचे लिख दे रहे हैं,
क्योंकि अगर ऊपर जाते समय तो यह अपने आप में पहला सवाल होता, ठीक ना। तो धातु की गुणवत्ता क्या होती है, बढ़ती है, ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ती है और बाएं से दाएं जाने पर घटती है। बाएं से दाएं जाने पर क्या होती है, घटती है। पूछा है लीचिंग मेथड इज सुटेबल फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ विच ओर, लीचिंग मेथड। हाँ बहुत बढ़िया, एकदम तहार सही बात। चलिए अब इस सवाल का जवाब दीजिए, क्या होगा इस सवाल का सही जवाब, लीचिंग मेथड किस ओर के लिए इस्तेमाल किया जाता है, क्या जवाब देंगे। चार ऑप्शन है, कैलामाइन, सिनेमार, कैसेराइट, अर्जेंटाइट, क्या बोलेंगे। बी ए देखिएगा, कैलामाइन कहते हैं कि अगर लीचिंग मेथड की बात करें तो हम एल्यूमिनियम की बात करते हैं, हम गोल्ड की बात करते हैं, हम चांदी की बात करते हैं, सिल्वर की बात करते हैं, तो अर्जेंटाइट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अर्जेंटाइट, ठीक है। हाँ पूछा है बैकेलाइट का रासायनिक नाम क्या होता है, बैकेलाइट, तो बैकेलाइट किससे बनता है, फिनाल से बनता है, और किससे बनता है, तो फिनाल के अलावा फॉर्मेल्डिहाइड से बनता है, फॉर्मेल्डिहाइड से, दूसरा किसी से नहीं बनेगा। तो अब इसमें पॉलीटेट्रा फ्लोरोइथाइलीन को टेफ्लान कहते हैं, जो नॉन स्टिकी बर्तन आते हैं ना, नॉन स्टिकी, वो इसी से बनते हैं। ये है आपका सही जवाब, फिनाल फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक ना, फिनाल और फॉर्मेल्डिहाइड से बनेगा। निम्नलिखित में से कौन पादप समूहों में परागण होता है, अच्छा किस पादप समूह में परागण की प्रक्रिया होगी, इसका एक ट्रिक बता रहे, जिसमें फूल होगा, फ्लावर होगा उसी में, तो क्या ब्रायोफाइटा में फूल है, ना बाबा ना, फूल केवल आवृत बीजी में है, एंजियोस्पर्मिक प्लांट में केवल फूल है, ठीक है, तो इसीलिए इसका सही जवाब एंजियोस्पर्म हो जाएगा। पूछा है कोयला और पेट्रोलियम के दहन से कौन से ऑक्साइड बनते हैं, कोयला और पेट्रोलियम के दहन से फास्फोरस, कैल्शियम, ये तो गलत है, कैल्शियम तो बनेगा नहीं, सल्फर नाइट्रोजन, नाइट्रोजन फास्फोरस, सल्फर फास्फोरस, इन्हीं तीनों में से एक बताना है, आप ही को बताना है, सी ऑप्शन होगा, ए ऑप्शन होगा, बहुत बढ़िया, नाइट्रोजन और सल्फर, ठीक। चलिए पूछा है निम्नलिखित में से कौन पानी कीटाणु रहित करने में मदद करता है, इसमें कौन ऐसा है जो पानी को कीटाणु रहित कर देगा, निस्पंदन, मदद नहीं करता है, अगर मदद करता है लिखा होता ना तो बिल्कुल हम भी परेशान थे कि यार इसमें तो दो तीन ऑप्शन दिख रहा है, क्या चुनेंगे, नहीं करता, कीटाणु रहित नहीं करता है, फिल्ट्रेशन, छान दोगे कोई चीज को तो कीटाणु उस छननी के अंदर से चले जाएंगे, आराम से जाके बीमारी फैलाएंगे, क्लोरीन की गोलियां भी फैलाएंगी, ये सारा क्या करते, रोग फैलाने का काम करते। पूछा है जल को इसके घटक तत्वों में विघटित करने के लिए कौन सी सही विधि है, सही विधि क्या है, जैसे जल है, जल क्या है, जीवन है, तो जल को विघटित करना है तो कैसे करेंगे, हम जल ले लिए, और जल को विघटित करना है तो H प्लस अलग और OH माइनस अलग, यही होता है ना, और तोड़ना हो तो 2H प्लस और हाफ O2 माइनस हाफ, ठीक है, यही मामला है। तो यहां पर विद्युत अपघटन आएगा, इलेक्ट्रोलिसिस आएगा। प्रभाजी आसवन विधि क्या होती है, तो प्रभाजी आसवन विधि से हम क्रूड ऑयल से हम पेट्रोल निकालते हैं, डीजल निकालते हैं, उर्ध्वपातन में हम सॉलिड से डायरेक्ट गैस बनाते हैं, ठीक ना। चलिए तो ये 35 सवाल आपके धुआंधार हो चुके हैं और ये आपके क्वेश्चन नंबर 36 पूछा हुआ है, क्वेश्चन नंबर तेल से पेट्रोल को अलग करने की प्रक्रिया क्या कही जाती है, पूछा है तो यहां पर कच्चे तेल से पेट्रोल बनना है और यही कच्चे तेल से पेट्रोल भी, डीजल भी, इंजन ऑयल और वैसलीन भी बनता है, वैसलीन इज आल्सो अ टाइप ऑफ पेट्रोलियम जेली, तो इसका सही जवाब प्रभाजी आसवन इज द राइट चॉइस, क्या होगा, प्रभाजी आसवन। और क्रोमेटोग्राफी में रंग के आधार पर हम सेपरेशन करते हैं, तो रंग के आधार पर अगर अलग करना हो ना तो हम वर्ण लेखन यानी क्रोमेटोग्राफी से करते हैं।
पूछा है पृथ्वी को निम्न में से कौन सी परत सूर्य के अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है, तो पृथ्वी के बाहर वायुमंडल की परत है। ठीक है, तो ये देखिए ये पृथ्वी है और इसी के चारों तरफ लेयर बनी है, लेयर बनी है ट्रोपोस्फेयर स्ट्रेटोस्फेयर और यहां पर बनती है मीजोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर स्ट्रेटोस्फेयर मीजोस्फेयर पूछा है कौन सी परत ऐसी है जो अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है, आप बताइए। ओजोन परत कहां पाई जाती है, समताप मंडल में। और एक और बात बताइएगा, समताप मंडल में ओजोन परत के लिए ओजोन का फार्मूला क्या होता है, एक बार बता पहले ओजोन का फार्मूला, रुक जाओ पहले ओजोन का फार्मूला, रुको रुको ओजोन का फार्मूला बताओ पहले। उनका फार्मूला बता दिए आप, ओजोन को नापते किसमें है भाई, ओजोन को मापते हैं डाबसन में। माचिस की तिल्ली पर निम्न में से किसका मसाला उपयोग किया जाता है, माचिस की तिल्ली पर, एकदम माचिस की तिल्ली पर किसका मसाला, मसाला मतलब क्या लगाया जाता है, माचिस। एक मूवी है ना कहता है कि माचिस अगर होता तो दुनिया को, तो यह कैल्शियम होगा कि फॉस्फोरस होगा, फॉस्फोरस होगा। अच्छा सोडियम को स्टोर करते हैं केरोसिन ऑयल में, केरोसिन ऑयल में, ठीक ना। अच्छा कई कई बार ये होता है कि सबसे क्रियाशील धातु तो सीजियम है, अगर आपसे पूछ दे कि सबसे क्रियाशील धातु क्या है, सबसे क्रियाशील धातु तो क्या जवाब देंगे, सीजियम बोलेंगे, क्लियर है। लेकिन अगर पूछ दे सबसे स्थायी तत्व क्या है, क्या पूछ दे सबसे स्थायी तत्व, तो सबसे स्थायी तत्व क्या बोलेंगे, ये तो सीजियम है, सबसे स्थायी तत्व आप क्या बोलेंगे बताइए, सबसे स्थायी तत्व क्या है, तो सबसे स्थायी तत्व जानते हैं क्या है, हीलियम है। इसी का आयनन विभव भी सबसे ज्यादा होता है, आयनन विभव भी सबसे ज्यादा होता है, तो इसका आयनन विभव क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा, क्लियर। अगले सवाल पे चलते हैं, पूछा है रुधिर का थक्का बनाने के लिए कौन सी कोशिका सहायक होती है, सीरेटोनिन हिस्टामिन प्लेटलेट्स और बेसोफिट। ये जो आपकी हिस्टामिन है कहीं चोट लग जाता है वहां पे स्वेलिंग आ जाती है, तो ओइडिमा कंडीशन स्वेलिंग की कहानी हिस्टामिन सिक्रेट करता है। यानी पूछा है रुधिर का थक्का, आप कहेंगे सर जी ब्लड क्लॉटिंग तो बहुत सारी चीजें करती है, थोड़ा सबका नाम बता देते तो मजा आ जाता। तो देख लीजिए भैया, अगर रुधिर का थक्का बनाना है तो रुधिर का थक्का जमाने के लिए हम किस किस चीज का उपयोग करेंगे, हम उपयोग करेंगे प्लेटलेट्स का, हम उपयोग करते हैं कैल्शियम का, हम उपयोग करते हैं विटामिन के का, ये सारी चीजों का, हम फाइब्रिनोजन का, फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रॉम्बिन, प्रोथ्रॉम्बिन, प्रोथ्रॉम्बिन थ्रॉम्बिन में कन्वर्ट होता है, और जब कन्वर्ट हो जाता है तो ये क्या करता है, फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में बदल देता है। तो यहां पर सही जवाब प्लेटलेट्स है। अच्छा प्लेटलेट्स का दूसरा नाम जानते हैं आप लोग, थ्रोम्बोसाइट है, क्या है थ्रोम्बोसाइट, तो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया का मतलब थ्रोम्बोसाइट का कम बनना, हाँ याद रखिएगा। चलिए और अगर हम कह दें ल्यूकीमिया, कीमिया का मतलब ल्यूक ब्लड सेल का डब्ल्यूबीसी का ज्यादा बनना, अगर कहीं पर ल्यूकीमिया लिखा है तो क्या कहोगे, कहोगे गुरु जी डब्ल्यूबीसी खूब दनादन बनेगा, ब्लड कैंसर है सर जी ये, ठीक है ब्लड कैंसर है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 40, हाई ब्लड प्रेशर मानव शरीर के कौन से अंगों को प्रभावित करता है, कौन से अंगों को, कहेंगे गुरुजी 120/80। अब इसके आगे का नहीं याद करते हैं, इतना याद रहता है 120/80। अब आगे हाथी घोड़ा ऊंट बैल क्या होगा, यहां पर मात्रक जरूर रट लेना, MMHG, ये प्रेशर की यूनिट है MMHG, और नीचे वाला है डायस्टोलिक, डायस्टोलिक, और ये क्या है सिस्टोलिक। जब इससे ज्यादा प्रेशर हो जाए तो क्या होगा, हाई ब्लड प्रेशर हो जाए, तो भैया क्लियर सी बात है कि हाई ब्लड प्रेशर मानव शरीर के अंगों को प्रभावित करेगा, और करेगा तो भैया वो किडनी हो, तो किडनी होगा तो किडनी छानता है ब्लड को, अब ब्लड का प्रेशर ज्यादा है तो यहां पर क्या होगा, ब्लड का प्रेशर ले दनादन प्रेशर आ रहा है, यहां पर किडनी जो होगी स्ट्रेस कंडीशन में काम करेगी और ब्रेन भी स्ट्रेस कंडीशन में काम करेगा, राइट आंसर इज सी। चलिए 40 क्वेश्चन का वादा है,
40 क्वेश्चन तो हो गया, लेकिन आज हम दो तीन और आपको आज एडवांस कुछ करा दे रहे हैं। पूछा है रक्त का थक्का जमने पर या जमने के लिए किस प्रोटीन की आवश्यकता होती है, रक्त का थक्का जमना हो किस प्रोटीन की आवश्यकता होती है। अच्छा अंकित कुमार जी हम देख लेते हैं, ठीक है ठीक है देख लेते हैं, अगर हाइड्रोथर्मल पावर प्लांट अगर उसमें होगा तो देख लेते हैं। फाइब्रिनोजन हो गया, सीसा स्पायरोराइट और काइनोसाइट, फाइब्रिनोजन। और आप देखिएगा ये फाइब्रिनोजन है, हाथ उंगलियां कट जाती हैं, ब्लड की क्लाटिंग होनी होती है। आप सोचते हैं कैसी होगी ब्लड की क्लाटिंग, तो थ्रॉम्बिन जो है ना ब्लड की क्लाटिंग कराता है। कहेंगे सर जी थ्रॉम्बिन कैसे बनता है, प्रोथ्रॉम्बिन थ्रॉम्बिन में कन्वर्ट हुआ और थ्रॉम्बिन जो है फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में, ये कैल्शियम कराता है। कैल्शियम को कौन बुलाता है, जब उंगली कटती है ना तो प्लेटलेट्स निकलता है, वही प्लेटलेट्स बुलाता है। ठीक है पूछा निम्न में से कौन सा ग्रह हरे रंग का प्रकाश उत्सर्जित करता है, ये भैया ज्योग्राफी का सवाल है, ये धुआंधार कमेंट में बताना, कमेंट सेक्शन में बता देना भैया। लाल ग्रह कौन है, मंगल, यूरेनस, शुक्र, वरुण। अगला है विकसित होने पर रीढ़ की हड्डियों की संख्या कितनी हो जाती है, पहले जब छोटकू से थे आप जब इतने से थे तो कितनी रीढ़ की हड्डी थी। कहेंगे सर जी ये आप कैसे जान गए, हम इतने से थे तो रीढ़ की हड्डी छोटकू से थे तो 33 थी और जब बड़कू हो गए तो 26 हो गई, तो रीढ़ की हड्डी बाद में कितनी हो गई 26। कहेंगे कितना कितना, सर्वाइकल थोरेसिक लंबर सेक्रल कार्डल, ग्रीवा में 7, वक्ष में 12, लंबर में 5, सेक्रल में 1 और पूंछ वाला 1। यहीं से पूंछ निकलता था, पूंछ निकलता था, बढ़िया बढ़िया। आप लोगों के भी पास पूंछ था लेकिन अब हम लोगों के पुराने वाले दादा परदादा के पास है, यानी बंदरों के पास है, हम लोगों के पास पूंछ नहीं है। तो ये आखिरी सवाल है, कार्निया और लेंस के बीच की दूरी को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। कार्निया, देखिए कार्निया ये है और ये है लेंस और यहीं पर सिलियरी मसल्स है, तो यहां पर एक्वस ह्यूमर, कार्निया और लेंस, एक्वस ह्यूमर, कार्निया और लेंस, विट्रस ह्यूमर, लेंस और रेटिना, विट्रस ह्यूमर, लेंस और रेटिना, VTL, विट्रस ह्यूमर, VLR, लेंस और रेटिना, विट्रस ह्यूमर। ठीक है एक सवाल मेरे भाई ने कहा है उसको देख लेते हैं कि सर जी एक क्वेश्चन जो है लग रहा है उसमें एक और ऑप्शन है, हम शायद हमसे छूट गया होगा, ये है पूछा है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण द्वारा जियोथर्मल। अच्छा देखिएगा, हाँ बिल्कुल 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 भाई साहब आपने पूरी बात सोची है, हम ही नहीं सोच पाए होंगे। ये रिएक्टर तो आप जानते होंगे, रिएक्टर में विखंडन के द्वारा ऊर्जा प्राप्त होती है, लेकिन जहां पर भूतापीय ऊर्जा संयंत्र दिया है यहां पे तापांतर के कारण ऊर्जा प्राप्त होती है, तापांतर के कारण। और जहां पर जल विद्युत संयंत्र है यहां पर बांध बनाकर पानी को रोका जाता है और बांध से जो ऊर्जा गिनाई जाती है वो गुरुत्वीय ऊर्जा से बनाई जाती है। यहां पे सॉरी भाई साहब, बिल्कुल आपने सही करा है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है चलिए, तो आज के सेशन में 24 सवाल थे। दिवाली का महा ऑफर 9 नवंबर रात 8:45 प्यारा इवेंट को लाइक कर देना, कोई कोर्स मत खरीदना, मैं हमेशा ये कहा हूं कि कोर्स खरीदना, आज मैं कह रहा हूं कि कोई कोर्स एमडी क्लासेस से मत लेना। दिवाली का जिस दिन महा ऑफर आएगा उस दिन धुआंधार तरीके से लेना, क्यों पैसा ज्यादा जाया करना, अभी आज ना लो कोई कोर्स, एक दिन रुक जाओ, सस्ते दर में सारे कोर्स आ जाएंगे, उतने ही पैसे में 2 कोर्स ले लोगे, आप ही का भला होगा। आप ही के लिए मैं कह रहा हूं कि 9 नवंबर की रात 8:45 पे आ रहा है उस दिन 2 कोर्स 3 कोर्स ले लेना, आज लेने से आप ही का घाटा होने वाला है। आप कहेंगे सर जी बात तो आप सही कह रहे हैं, तो आज लेने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात, क्लास टेबल में देख लीजिएगा टाइम टेबल, जो लोग कौटिल्य बैच में जुड़े हैं सुबह 8 बजे साइंस, 1 बजे मैथ, 2 बजे करंट अफेयर, बिल्कुल 6 बजे हिस्ट्री और 7 बजे रीजनिंग, और 2 नई क्लासेस जो शुरू हो रही हैं, 1:11 बजे बिहार स्पेशल और 4 बजे बिहार का करंट, धुआंधार तरीके से जुड़िएगा। और इसी के साथ मात्र 499 का ये कौटिल्य बैच है, बिल्कुल दिवाली में बाबू छूट पर आएगा। 499 देख रहे हो ना, 100 रुपया 150 रुपया कुछ कम होगा, जब कम होगा तो ले लेना, दूसरा कोई कोर्स एक ले लेना, इसीलिए हम कह रहे हैं अभी मत लो। ठीक है यहां देखो एमडी क्लासेस के ऑफिशियल जो एप्लीकेशन है उसको गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करो, यहां पर नाम नंबर रजिस्टर करो, पेड कोर्सेज में जाओ, फ्री वीकली टेस्ट में जाके टेस्ट ले लेना,
नोट सेक्शन है, यहां पे जाके आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी, ठीक है। और आप हमसे जुड़ना चाहते हो, अपने अभिषेक सर से जुड़ना चाहते हो, तो यहां आ जाना, अभिषेक सर एमडी क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पर। और एक और बात याद रखो, एमडी क्लासेस का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल फेसबुक पे भी मिलेगा, इंस्टाग्राम पे भी मिलेगा, हर जगह मिलेगा, तो वहां पे भी बने रहना। जय हिंद सभी को, थैंक यू सो मच।